हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 261 एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, देन ए इंटू में बी इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, हमारे पास गिवन है ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 261। हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 261। हम देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू में बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 261। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 261। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 29, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में 29 इज इक्वल टू 261। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 261 अपॉन में 29। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 29। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10। ये हमारा आंसर है।